नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिल चौधरी। आपके अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जब स्टूडेंट नीट की तैयारी करता है और आर्मी बैकग्राउंड से होता है तो उसके दिमाग में AFMC चलता है, लेकिन जैसे वो नीट का एग्जाम देके घर आता है तो उसके मार्क्स उस लेवल के नहीं आते, नेगेटिव मार्किंग में कट जाते हैं। फिर उसके दिमाग में आर्मी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस दिल्ली हो जाता है, लेकिन रिजल्ट आते आते और भी कम मार्क्स और रैंक हो जाती है। फिर स्टूडेंट ACDS से डेंटल करना चाहता है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, AFMC से ही आपका कैरियर शेप है, आपको डायरेक्ट पोस्टिंग मिल जाएगी। इसके अलावा ACMS और डेंटल जो ये ACDS है, इससे आपको सिर्फ नॉर्मल जो सिविल के कॉलेजों में डिग्री मिलती है ऐसे आपको डिग्री दी जाएगी। आर्मी में जाने के लिए आपको उन सभी क्राइटेरिया को फुलफिल करना होगा जो एक सिविल से डिग्री लेके आता है और जो आर्मी ज्वाइन करता है, मतलब आपको किसी भी तरीके का कोई भी रिजर्वेशन या फिर कोई भी तरीके की सहायता नहीं दी जाएगी। आपको सारे काम लीगल तरीके से करने पड़ेंगे। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा मेरा एक्सपीरियंस है तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताऊँगा। मैंने भी 3-4 साल ड्रॉप लिए दोस्तों, मेरे भी इतने अच्छे नंबर नहीं आए। मैंने भी ACDS का काफ़ी इसके कॉलेज के बारे में ट्राई किया, इंस्टाग्राम पर काफ़ी स्टूडेंट थे उनसे बात की, फीस स्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर, लाइब्रेरी, सब कुछ का अच्छे से एनालिसिस किया। फिर लास्ट में मुझे पता चला इसकी 3 लाख+ फीस थी, ये भी 2 या 3 साल पहले की बात है। फिर मैं TV देख रहा था तो उसमें आपको पता है लोकसभा राज्यसभा का लाइव प्रसारण दिखाया जाता, तो उसमें इस बात को लेकर बहस थी कि इंडिया के जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज होते हैं, यहाँ स्टूडेंट पैसे के दम पर कम नंबर वाले एडमिशन ले लेते हैं और वो अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाते, तो इसको रोकने के लिए एक एग्ज़ाम किया जाए। तो दोस्तों बाद में ये डिसीजन आया कि एक नेक्स्ट एग्ज़ाम लगा दिए, चाहे आप इंडिया से MBBS करो, आउट ऑफ इंडिया से MBBS करो। तो फिर मैंने सोचा अपन ACDS में अगर इतना पैसा इन्वेस्ट करें, लगभग 3 लाख+ से अपना 16-17 लाख रुपए हो जाएगा कि जो कि फीस है, इसके अलावा रहना खाना अलग, तो टोटल मिला के आपका 23 से 25 लाख के समथिंग खर्चा पहुँच जाएगा ACDS का, क्योंकि महंगाई बढ़ेगी। आज हो सकता है आप कैलकुलेट कर रहे हो, लेकिन 5 साल बाद या 4th ईयर में आप आओ, उस टाइम की महंगाई अलग हो, तो अप्रोक्स आपका 23 to 25 के लगभग खर्चा आ जाएगा। फिर इससे अच्छा दोस्तों मैंने सोचा कि आउट ऑफ इंडिया से MBBS करके आ जाते हैं, एग्जाम सबको ही देना, चाहे इंडिया से MBBS करो चाहे बाहर से MBBS करो। और देखो ACDS ये डेंटल हो, आयुर्वेद हो, वेटनरी हो, ये सिर्फ एक विकल्प है, MBBS की भरपाई ये कभी नहीं कर सकते। अगर आप इतने ही बजट में दोस्तों MBBS कर सकते हो तो क्यों ACDS में जाना चाह रहे हो? तो मैं आपको यही कहना चाह रहा हूँ, जब पैसा और समय ही आपको दोनों खर्च करने हैं तो आप डेंटल की तुलना में आप MBBS पे खर्च करो, जो आगे आपको काम भी आएगा। आज के इस टाइम में इतनी बेरोजगारी हो चुकी है कि MBBS वाले का कैरियर भी सेफ नहीं है, तो डेंटल वाले की तो अपन बात ही नहीं करेंगे। जब तक आप PG ना करो और बढ़िया से सेटल ना हो, जब तक सिंपल MBBS को कोई नहीं पूछने वाला, मार्केट में कोई वैल्यू नहीं है। तो बस मेरा वीडियो बनाने का पर्पज ये था कि जो डिसीजन मैंने लिया स्टूडेंट, अगर आप भी वो डिसीजन लेते हैं तो काफ़ी अच्छा रहोगे, क्योंकि मैं अभी 3rd ईयर का स्टूडेंट हूं और मैंने वहां देखा कि मुझे कंफर्टेबल लगा, काफ़ी अच्छा सिस्टम था, काफ़ी अच्छा माहौल है और पढ़ाई का स्टैंडर्ड भी काफ़ी अच्छा है। तो मैंने सोचा अपने छोटे भाई बहनों को भी ये जानकारी दे दी जाए, हो सकता है वो जल्दीबाजी में ये गलत डिसीजन ले लें और डेंटल में चले जाएँ, क्योंकि डेंटल ही है, MBBS ही है। हो सकता है आपको 5 साल इस चीज़ का फ़र्क पता ना चले, लेकिन जब आप डिग्री कंप्लीट करके जब समाज में परिवार में अपन बैठेंगे तो उस टाइम आपको एहसास होगा कि डेंटल और MBBS में क्या फ़र्क है। इसके अलावा नीचे मैंने अपना WhatsApp नंबर दे रखा है स्टूडेंट, अगर आपको ज़्यादा डिटेल्स जाननी है, कौन सा कॉलेज है, कहाँ पर है, किसके थ्रू आप गए, कैसे टिकट बनवाया, कैसे वीज़ा बनवाया, हमें भी जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, अगर इसके रिगार्डिंग आपको कोई भी बात करनी है तो इस WhatsApp नंबर पर मुझे मैसेज कर दें। आप बताएं कहाँ के रहने वाले हैं, कितने आपके नीट में स्कोर हैं। देखो बाहर जाने के लिए नीट क्वालिफाइड कंपलसरी कर दिया है, अगर आप OBC SC ST या रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट हो तो आपके मिनिमम 108 नंबर होने चाहिए 2021 के लिए। इसके अलावा दोस्तों अगर आप EWS और जनरल कैटेगरी के हो तो आपके दोस्तों 138 नंबर होने चाहिए 2021। तो ये जो मेरा एक्सपीरियंस था मैंने आपको वीडियो के माध्यम से बताया है। इसके अलावा दोस्तों डिसीजन आपका होगा, क्योंकि आपकी लाइफ है, आपका पैसा है, बस एक मेरा एक्सपीरियंस था जो मैंने आपको बताया। इसके अलावा मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में कोई ऑथेंटिक अपडेट के साथ। आज के लिए इतना ही, जय हिंद, वंदे मातरम।